गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और अनमोल के पापा रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। तो आज काफ़ी टाइम के बाद में हम लोग एक साथ नाश्ता कर रहे हैं सुबह के टाइम। बहुत टाइम हो गया हमें, मतलब तसल्ली पूर्वक कर रहे हैं यार नाश्ता हम। तो आज नाश्ता बनाया हमने अंडे ब्रेड, और कम से कम 20 दिन हो गए हमें, हमने नॉन वेज वगैरह नहीं खाया है। तो देखिए हमारा नाश्ता अंडे ब्रेड का, और चाय बनाई मैंने तो चली गया। और बच्चे अभी सो रहे हैं तो हमने उन्हें नहीं उठाया, तो जाएंगे 10 बजे ट्यूशन, तो जब भी उठाऊंगी उन्हें मैं। तो चलिए गाइस, तो हम करते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में अनमोल के पापा के ऑफिस जाने के बाद। मिलते हैं फिर हम। घर का सारा काम काज हो चुका है और अनमोल हो गया है रेडी। और ये देखिए अनमोल हो गया रेडी। तो अनमोल जा रहा है मेरे, एक मिनट, तो अनमोल जा रहा है मेरे घर, मेरे छोटे भाई के घर, और निक्कू ने, मेरे भतीजे ने बुलाया है, तो ये वहाँ जा रहा है। तो खाना वाना खा के, क्योंकि रात का हमारा खाना रखा किसी ने नहीं खाया, तो दाल चावल के हम वो खा रहे हैं। और मैं इसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ कर आऊँगी, ताकि मुझे भी ये रहे कि हाँ भाई सही सलामत ठीक ठाक मेट्रो पहुँच गया। तो ये मेट्रो से जाएगा, वहाँ से वो ले लेगा इसको मेट्रो से। तो चलिए गए, चाय भी बना ली अनमोल ने, तो मेरे घर का सारा काम मैंने फटाफट कर लिया काम, ताकि मैं इसको छोड़ कर आ सकूँ। तो चलिए गए तो खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो देवर मिल गए, तो ये अनमोल को मेट्रो स्टेशन पे छोड़ देंगे, तो हम लोग अब बाकी का सामान ले लेंगे। तो अनमोल बाय, और मेट्रो स्टेशन पहुँच के फ़ोन कर दिया, और वहाँ पर भी, और देवर मेरे अच्छे हैं, थैंक यू देवर जी, वेलकम भाभी जी। तो हमने सोचा था चलो हम भी कुछ सामान ले आएंगे तो इसे छोड़ देंगे। अरे सही है ना, टमाटर प्याज लेने चलो। तो हमें टमाटर प्याज लेना, और किसलिए लेनी है वो? तो हम टमाटर प्याज लेंगे, इसने मेरी जान ले रखी है कि मुझे चटनी वाला मसाले वाला, तो इसे चटनी वाला अंडा खाना है। तो घर में टमाटर प्याज खत्म हो रहा है, तो बनाओगी थोड़ी देर बाद? नहीं, शाम को। तो देखिए गाइस, मैंने ले ली प्याज, और कितने पैसे? 40 रुपए किलो, ये हमें सस्ता नहीं लगा रहा। आलू तो इसने सस्ते लगा लिए थे हमें, बाबा के भंडारे के लिए हमने इसी से आलू लिए थे, थैंक यू भाई। हंस रहा है, हंसने क्या बात है, तुझे पूरी दुनिया देगी, तुझे थैंक यू बोला हमने, ये तो ही अच्छा बंदा है भाई, समझ गया ना, तुझे दुनिया देगी। तो अब देखते हैं, टमाटर ले लेते हैं हम। हाँ, टमाटर 30 रुपए किलो टमाटर हो गए। टमाटर का थैंक यू भाई, ब्लॉग बनाती हूँ चैनल मेरा लक्ष्मी सूद फैमिली ब्लॉग। सर्च मार, तो इस भैया ने हमें सब्सक्राइब करा, हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है, तो थैंक यू भाई ने हमें सब्सक्राइब करा। तो हमारे ब्लॉग देखना, और कल आए, कल 2 बजे ब्लॉग जो आएगा ना उसमें आएगा तू, ठीक है, कल जरूर देखियो। ठीक है, हम लोग अनमोल को छोड़कर आ गए थे, और हम लोग टमाटर प्याज भी ले आए थे, और आके हम लोग थोड़ी देर लेट गए और फ़ोन वगैरह चलाया, और अनमोल पहुंच गया। मैं उस पर हर 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद फ़ोन कर रही थी, तो वो पहुंच गया 4 बजे, तो उसकी कॉल आ गई थी कि मम्मी मैं पहुंच गया हूँ। तो थोड़ा टेंशन फ्री जब हुई, जब वो पहुँच गया, क्योंकि अकेला से कभी भेजती नहीं हूँ मैं, तो सेकेंड टाइम वो गया है अकेला, और पहुँच गया है ठीक ठाक अपने, तो वो आ जाएगा परसों। तो लाली आइए, हेलो हाय तो कर, और इनकी लड़ाई झगड़े, इनके लड़ाई झगड़े नहीं बंद होते, मैं तो इनकी लड़ाई झगड़ों से बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा। हाय कर में रहते,
हेल्दी लग जाएगी बहन के। लड़ाई झगड़े नहीं बंद होते हैं तो आप करती हूँ तैयारी। और आज इसके लिए चटनी वाला अंडा बनाना है तो उसकी तैयारी करती थी, मेरा भेजा खराब कर रखा दोपहर से। तो चलिए गए तो करते हैं शाम के खाने की तैयारी। चटनी वाला अंडा और शुरुआत कर दी, प्याज है सब छिल गई है। तो लालिन और अनुराग ने प्याज और टमाटर काट दिए तो तेल चढ़ा दिया है। तो फ्राइंग पैन में ही बनाऊंगी मैं चटनी वाला अंडा चार अंडों का। तो चाय भी बनाते हैं, अनमोल के पापा आ चुके हैं तो चाय भी चढ़ा दूंगी मैं और फिर हम लोग चाय भी पियेंगे। ये बन चुका है हमारा चटनी वाला अंडा। टमाटर और प्याज की चटनी बना के उसके अंदर ऐसे ही फोड़ देते हैं हम। और यहाँ बन चुकी है हमारी चाय, बस चाय को उबाल देते हैं दो दिन और फिर हम चाय कर देते हैं। पूरा बन चुका है, चार अंडों का बनाया मैंने ये। तो चलिए गाइस तो चाय पीते हैं हम। गाइस हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, टाइम हो चुका है 8:30 और हम लोगों ने खाना खा लिया। अनुराग कैसे बने? बहुत ही बढ़िया, एक नंबर, इतनी अच्छी सब्जी मैंने कभी। पता क्या कर रहा मम्मी? अमृत घोल दिया इसमें, अंडे में अमृत बना दिया, अमृत बना दिया। तो करते हैं वीडियो का एंड। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आज अनमोल अपनी नानी के यहाँ वो चिकन बना रहा था तो नानी ने चिकन मंगाया और वो चिकन बना रहा था और बना के नानी नाना को खिलाया उसने और उसने भी खाया है। तो कल बताएगी नानी उसकी कि उसने चिकन कैसा बनाया, तो कल फ़ोन करके पता करूंगी मैं। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा है वो अपनी नानी के घर। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग में एक नई टाइटल साथ। तब तक के लिए प्यार बाटे, खुशियाँ बाटे, सुरक्षित रहिए। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टाटा, बाय बाय।